ना कोई बाहर आ सकता। इसका मतलब भाई मेरा जो ये है ये अंदर ना आने दो, रोड ने वो जो हाईवे ने पार्ट तो सरकार ने कुछ भी कर सके है, हाईवे ने करीम से 20 तो खड़ सके है, सारे हाईवे के बीच में बैठ सके है, किसी पूरी प्रशासन के पास इतनी मत थी भाई उन्हें खुलवा दे जाके वो जितने हाईवे रोक रखे हैं, लेकिन हमारे ऊपर कृपा ऊपर सबका जोर चला है, ठीक है वो सारे के सारे रोक रखे उन हाईवे ने खोल दो। भाजपा सरकार जनता में जो एक संदेश देना चाह रहा जनता ने कुछ करके है कि वो किसानों का विरोध में हो जा और हम अपना मोदी सरकार आज मोदी सरकार ने ऐसा काम कर दिया, हमारे चाचे ताऊ पुलिस में लाग रहे हैं, बोले आपस में भिड़ लो मर लो कट लो और फारिक हो जाओ, पर यो हण कौन देवा, हमारे जितने चाचे ताऊ है जितने पुत्र का समान है हम उनका पैरों का हाथ ला देते हैं, जितने पुलिस में भर्ती है भाई हम गलत नहीं होने देंगे, शांति पूर्वक गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम। रोक जा रे बेटा, प्रदीप है पीछे आ जा, पीछे आ जा, मनु जी आज का ये प्रदर्शन है क्या कुछ कहेंगे इस प्रदर्शन के बारे में? आज का प्रदर्शन जी हमारे किसान महापंचायत की ओर से बुला गया है, उनके मेन बिंदु आज के प्रदर्शन के यही है जी के जो एक तो 1 फरवरी को जो बिल पेश किया गया ना उसमें सब कुछ व्यापारियों के बारे में बताया गया, किसानों की फूलनदेखी करी गई है, तो हम उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारी पुलिस प्रशासन इतना मजबूत है, जिन्होंने लाल किले पे जिसने उग्र कराया वो 200-300 लोग उठा लिए जेल में डाल दिए, वो किसान तो उठा लिए लेकिन जो दीप सिंह दुजवारन गोस्वामी जो कुल कंगना रानावत जो कुल हिंसा फैलावे हैं जो दंगे करवाने की कोशिश कर रहे हैं उनको आज तक ना कोई कार्रवाई हो पाई है, हमारा पुलिस प्रशासन इतना कमजोर हो गया कि जी हमारी आईटी सेल इतनी कमजोर होगी कि एक दीप सिंधु का पता वो नहीं लगा पा रहे हैं कि दीप सिंधु कहाँ पे है, कौन सी सुरंग में घुसा हुआ है, निकाल लो उसको, हर बार फेसबुक पे लाइव आ रहा है, क्या कोई ऐसी सर्विस नहीं है क्या जिसे पता लगा ले कहाँ पे बैठा है, सब कुछ बताया जी सब कुछ, और प्रधानमंत्री को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए, सनी देओल को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए, भाजपा सांसद को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि उनके दीप सिंधु के साथ क्या रिश्ते हैं, दीप सिंधु के साथ वो क्या चीज़ शेयर करते हैं और क्यों दीप सिंधु अब तक नहीं पकड़ा गया जी। आज कहां कहां से छात्र आपके साथ इकट्ठा हुए हैं और आज का जिस तरीके से यहां रोड जाम किया गया क्या आगे भी और प्रदर्शन कुछ करने वाले? हम 4 नंबर गेट पर इकट्ठे हुए थे, आराम आराम से सारे साथी आते गए, खबर फैलती गई सारे साथी जुड़ते गए, हमारा कोई ऐसा संगठन तो है नहीं जी, सारे युवा साथी पे जुड़ गए जिनका प्रति सरकार का प्रति रोष है, जो इन तीनों कानून ना नकल तमन्ना है, सारे साथी हमारे साथ जुड़ते गए, हम यहाँ पर आ गए, आगे जो भी हमारे उनका जो किसान एकता मंच का जो भी आगे प्रदर्शन रहेगा हम उनका बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, उनका फुल समर्थन कराएंगे किसानों का। अगर कोई पॉलिटिक्स अगर बाहर का कोई मीडिया है या बाहर का कोई सिटीजन साथी जिन्होंने अपडेट दी और आगे और लोगों से अगर कोई बाहर का बंदा कोई अनदर कंट्री का सिटीजन है दे हैव टू गिव टू रिप्लाई फॉर द अकॉर्डिंग टू कंट्री, वो कहते हैं भाई हाँ ये मोदी का डंका है, अगर कोई बाहर का बंदा इसके विपक्ष में बोल देगा तो कहते हैं ये तो आंतरिक मामला हमारा, ये हम अपने आप सुलट रहे, तभी तो हमें आतंकवादी कहते हो तुम्हें, जब तुम्हारा आंतरिक मामला है फिर क्यों आतंकवादी कहते हो हमें? ठीक नाम सर? मेरा नाम अंबर थापा है जी, यूरोप में रहता हूँ, ये मेरा वहाँ का आईडी कार्ड मैं निकाल देता हूँ आपको, आप भी किसानों के समर्थन में इंडिया आया हूँ जी मैं। अच्छा यूरोप से इंडिया आए? यूरोप से इंडिया आया हूँ जी मैं किसानों के समर्थन में। उल्टा है उल्टा पकड़ो भाई ये लो। तो आप वहाँ क्या काम करते हैं? मेरा कंस्ट्रक्शन का जी कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ बिल्डिंग्स के। अच्छा अच्छा ठीक है। तो जब आपको पता लगा तो फिर आप सीधे यहाँ चले आए? मेरे को 4 महीने हो गए जी यहाँ आए। अच्छा ठीक है, तब से मैं किसान आंदोलन के साथ हूँ। ठीक है जी, जमीर नहीं मारा जा सकता, पैसे तो फिर भी कमा लेंगे। ठीक है, ये मेरे माँ बाप है जितने बुजुर्ग है सारे बॉर्डर पे बैठे हैं, इनकी मौत नहीं देख सकता। बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप देखेंगे यहाँ पर एक छात्रों को